एक डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर काम कर रहे थे, तभी वहां पर एक महिला आती है जो डॉक्टर साहब के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उनसे माफी मांगने लगती है। अब डॉक्टर साहब ये सब कुछ देखकर बड़े ही हैरान है कि इसको ऐसा क्या हुआ जो ये मुझसे रो रोकर माफी मांग रही है। कौन थी वह महिला और क्या कनेक्शन था उसका डॉक्टर साहब से, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता है। उसका इकलौता बेटा है जो भी स्कूल में पढ़ रहा है। मोहन जिसके पास कुछ पुश्तैनी जमीन है उस पर वो खेतीबाड़ी किया करते हैं और साथ में वे ऑटो रिक्शा चलाकर अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई को करवा रहे हैं। मोहन का लड़का जब छोटा था तभी उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे ताकि वो जिंदगी में उसकी तरह मुसीबतों को ना झेल सके। इसके बाद मोहन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर और उसे बताता रहता है कि बेटा तुझे पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। इधर जो उनका बेटा था उसका नाम था सचिन। सचिन अपने परिवार की कंडीशन को समझता है लेकिन फिर भी वो अपने पिता से कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं जरूर से एक बड़ा डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। धीरे धीरे करके सचिन की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद अब सचिन को आगे की पढ़ाई करनी थी। स्कूली एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद सचिन को पता चल गया था कि इससे आगे की पढ़ाई बहुत ही कठिन होने वाली है और उसके पिता को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी अगर उसे पढ़ाना है तो। एक दिन शाम को सचिन अपने पिता से बात करता है और कहता है कि पिताजी मैं एक बात सोच रहा था। तो उसका पिता कहता है कि बताओ बेटा तुम क्या सोच रहे थे। तो वो कहता है कि पिताजी अब मैंने स्कूल की पढ़ाई कर ली है तो अभी मैं कोई प्राइवेट नौकरी कर लेता हूं ताकि आपको रिक्शा ना चलाना पड़े। यानी कि दोनों बाप बेटों में बहुत गहरा प्यार था। बेटा ये नहीं चाहता था कि उसका पिता उसके लिए इतनी सारी मेहनत करे, इसी वजह से वो प्राइवेट जॉब के लिए बोल रहा था। लेकिन जो पिता होता है इस बात को सुनकर थोड़ा सा नाराज हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सपना देख रखा है। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन तू डॉक्टर बनकर रहेगा। अगर तुझे डॉक्टर नहीं बनना तो अभी के अभी मुझे बता दे, फिर मैं तुझसे बात तक भी नहीं करूंगा। अब यह बात सुनकर बेटा थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपने पिता की बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। वह कहता है कि ठीक है पिताजी, अब मैं घर वापस जब ही लौटूंगा जब मैं एक सफल डॉक्टर बन जाऊंगा। ऐसा कहकर बेटा वहां से कोचिंग करने के लिए शहर में चला जाता है और पिता उसके लिए पैसे भेजता रहता है। बेटा वहां पर दिन रात एक करता और दिन रात एक करने के बाद उसका नंबर डॉक्टरी करने के लिए लग जाता है। यानी कि उसने पहले एक टेस्ट दिया था जिस टेस्ट को करने के बाद वह सरकारी कॉलेज से डॉक्टरी कर सकता था और उसमें उसका नंबर पड़ गया था। अब जैसे उसका नंबर पड़ता है तो उसके बावजूद भी वहाँ पर रहने खाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है और इसके लिए ढेर सारे रुपए पैसे चाहिए थे। बेटा अपने पिता को बता देता है कि पिताजी यहाँ पर मेरा नंबर तो पड़ गया है लेकिन उसके लिए बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत होगी। तो पिता अपने बेटे से कह देता है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ जब तक तुझे कैसी भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर मोहन अपने बेटे के लिए पैसों का इंतजाम करने लगता है और पैसों के इंतजाम के लिए वह अपनी उस पुश्तैनी ज़मीन को बेच देता है जिस पर वो थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी कर लिया करता था और उसे बेचने के बाद अपने बेटे की डॉक्टरी में उस पैसे को लगा देता है। साथ में मोहन ऑटो भी चलाया करता है और उसके बाद भी कुछ पैसे कमाकर अपने बेटे की डॉक्टरी के लिए भेजा करता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सचिन एक सफल डॉक्टर बन गया था। अब जैसे उसका बेटा डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने के बाद गाँव में अपने पिता के पास आता है। गाँव जाने के बाद जैसे वह अपने दोस्तों में इधर उधर घूमता है तो घूमते घूमते उसे यह बात पता चल जाती है कि उसके पिता ने उसे डॉक्टर बनाने के लिए वह पुश्तैनी जमीन बेच दी है जिस पर वो खेती किया करते थे और उन्होंने उसके लिए मजदूरी तक भी की है। यह बात सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सीधा अपने पिता के पास पहुंच जाता है। पिता घर के अंदर बैठे कुछ काम कर रहे थे तभी अचानक से सचिन वहां पर जाता है और अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया लेकिन आपने इसे मुझे महसूस नहीं होने दिया। तो पिता कहता है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए ऐसा क्या किया है। तो बेटा कहता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप ऑटो चलाने के साथ साथ मजदूरी भी किया करते थे और आपने उस जमीन को भी बेच दिया है जो जमीन हमारे दादा परदादाओं की थी। इस बात को सुनकर जो पिता होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पिता की आंखों में आंसू देखकर बेटा भी फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी मोहन अपने बेटे सचिन से कहता है कि बेटा ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की है लेकिन उस मेहनत का फल मुझे जब मिलेगा जब तू अच्छे से पैसे कमाने लगेगा और उस जमीन को हम दोबारा से खरीद लेंगे। इस बात को सुनकर बेटा इस बात के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि बाबूजी जल्द से जल्द मैं डॉक्टरी में मेहनत करूंगा और मेहनत करने के
बाद अपना नाम रोशन करूंगा। जब मेरा अच्छी तरह से काम चल जाएगा तो उसके बाद हम उस जमीन को खरीद लेंगे। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटे खुश हो जाते हैं और इसके बाद सचिन अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। इधर जब सचिन डॉक्टर बना था तो चारों तरफ ये बात पता चल गई थी कि एक ऑटो चलाने वाले व्यक्ति का लड़का डॉक्टर बन गया है और अब वो अच्छे खासे पैसे कमाएगा। इस बात को सुनकर सचिन के लिए रिश्ते भी आने लगते हैं तो एक रिश्ता उसका पिता उसके लिए पसंद कर लेता है। लड़की का नाम था मेघा और मेघा के माता पिता काफी रुपए पैसे वाले थे, यानी कि मेघा के घर में सुख सुविधाओं की कोई भी सामान की कमी नहीं थी। मेघा के घर वाले और सचिन के घर वाले दोनों की शादी तय करा देते हैं और शादी तय होने के बाद कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो भी जाती है। शादी होने के बाद मेघा दुल्हन बनकर सचिन के घर में आती है और वहां पर आने के बाद एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि मेघा ने कभी सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर होने के बावजूद भी उसका घर इतना साधारण होगा। एक दिन मेघा अपने पति से कहने लगती है कि आप डॉक्टर हो, डॉक्टर होने के बावजूद भी आपका घर इतना साधारण है कि कोई कह ही नहीं सकता कि आप डॉक्टर हो। तो उसके बाद सचिन अपने संघर्ष की पूरी कहानी मेघा को बता देता है और कहता है कि मुझे पहले उस जमीन को खरीदना है जो मेरे पिता ने मुझे डॉक्टर बनाने के लिए बेची थी, उसके बाद ही मैं अपने घर की तरफ ध्यान दूंगा और घर के अंदर सुख सुविधाओं के सामान बढ़ाऊंगा। इस बात को सुनकर फिलहाल तो मेघा चुप हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेघा को ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही थी जो कुछ उस घर के अंदर हो रहा था। सचिन मेघा को अपनी सारी बातें बता देता है और सचिन मेघा से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है। मेघा भी कहीं ना कहीं सचिन से प्यार किया करती थी, लेकिन उसकी अमीरी का घमंड उसके आड़े आता है और उसे सचिन के घर की हालत देखकर उससे नफरत सी होने लगती है। धीरे धीरे करके सचिन और मेघा में छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी होने लगती है और यह कहासुनी लड़ाई का रूप लेने लगती है। अब जैसे सचिन के पिता मोहन को यह बात पता चलती है कि उसकी बेटे की पत्नी उससे लड़ाई किया करती है, तो उसके बाद एक दिन वो बैठाकर अपने बेटे की बहू को समझाता है और कहता है कि बेटी ऐसा मत करो, देखो कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कुछ भी तुम्हें परेशानी है वो सारी परेशानी तुम्हारी दूर हो जाएगी। लेकिन जो मेघा थी वो उनकी बातों को सुन तो लेती है लेकिन उन पर कोई अमल नहीं कर पाती है। इसके बाद भी ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है और एक दिन ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। लड़ाई के दौरान सचिन जब उसे समझाने की कोशिश करता है तो वह उसे भिखारी कहकर, गरीब कहकर संबोधित कर देती है और कह देती है कि तुम लोग तो भुखमंगे हो और तुम्हारे साथ मैं जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। ऐसा कहकर उसने सचिन का अपमान कर दिया था और इस बात को सुनने के बाद यह बात सचिन पर सहन नहीं हो पाती है। इसके बाद सचिन मेघा पर हाथ उठा देता है और मेघा रूठ कर अपने मायके चली जाती है। वहां जाने के बाद मेघा अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी अब मैं उस घर में एक सेकंड नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो लोग गरीब हैं और उन लोगों के साथ मैं कैसे भी जिंदगी को व्यतीत नहीं कर सकती और सचिन ने तो मुझ पर हाथ भी उठाया है। ऐसा कहकर मेघा मायके में रूठ कर बैठ गई थी और मेघा के पिता कुछ दिनों तक वेट करते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है कि बेटी कुछ दिनों यहां पर रहने के बाद अपने पति के पास जाने के लिए तैयार हो जाए। कुछ दिनों बाद मेघा के पिता उससे कहते हैं कि बेटी अब बहुत दिन हो गए, अब तुम्हें अपने घर चला जाना चाहिए, लेकिन मेघा उनसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे उनके साथ रहना ही नहीं है, सचिन ने मुझ पर हाथ उठाया है और उस घर में मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकती। ऐसा कहकर वो अपने पिता से कह देती है कि मुझे सचिन से तलाक चाहिए। अब यह बात सुनकर मेघा का पिता उसे और भी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेघा उसकी एक नहीं सुनती है और वो साफ साफ बोल देती है कि अब मुझे सचिन के साथ रहना ही नहीं है। इसके बाद मेघा का पिता मजबूरन सचिन का और मेघा का तलाक करा देता है और सचिन और मेघा दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर जो सचिन है वह अभी तक सोच रहा था कि मेघा कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगी और दोबारा से हमारा घर परिवार चलने लगेगा। वह बार बार मेघा को याद किया करता, लेकिन याद करने से कुछ होता भी नहीं है और जैसे ही उसे पता चलता है कि मेघा उसे तलाक देना चाहती है तो इस बात का उसे थोड़ा सा गुस्सा बनता है और इसी गुस्से में वह मेघा को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद मेघा अपने घर है और सचिन अपने घर है। इस बात का सचिन के पिता को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सचिन एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है और उसने अपना एक क्लिनिक भी खोल लिया था। उसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि जितनी जमीन उसके पिता ने बेची थी उससे दुगनी जमीन उसने खरीदकर अपने पिता को दे दी थी। इस बात को लगभग 4 साल बीत गए थे और 4 साल के अंदर सचिन ने यह सब कुछ हासिल कर लिया था। सचिन के पिता अब थोड़े से बुजुर्ग हो चले हैं और उनकी तबीयत भी खराब रहा करती है। अब एक दिन सचिन के पिता सचिन से कहते हैं कि बेटा अब तुझे काफी दिन हो गए और मेरे ख्याल से अब तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए,
लेकिन जो सचिन होता है वह दूसरी शादी से साफ साफ मना कर देता और कहता है कि बाबूजी आपकी तबीयत खराब रहा करती है और कोई दूसरी पत्नी आके आपके साथ किस तरह का व्यवहार करेगी, मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकता, मैं दूसरी शादी बिल्कुल से नहीं करूँगा और आपकी देखभाल मैं खुद से करूँगा। अब पिता अपने बेटे से जिद करता है लेकिन बेटा उसकी एक बात नहीं सुनता है और कहता है कि आप आराम से घर के अंदर रहो और मेरी चिंता बिल्कुल से मत करो। ऐसा कहकर सचिन ने अपने पिता को चुप करा दिया था और वह इसी तरह से उसकी देखभाल करने लगता है। एक दिन सचिन को अपने क्लिनिक के लिए एक महिला की आवश्यकता थी जो महिला उसके रिसेप्शन को संभाल सके और सभी लोगों की पर्चियां काट सके। उसे थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी तो इसी वजह से वह इधर उधर इस बात का प्रचार कर देता है। उसने अपने क्लिनिक के बाहर भी पर्चा लगा दिया था और अखबार के अंदर इस चीज का इश्तेहार निकलवा दिया था और अखबार में छपने के बाद यह इश्तेहार घूमते घूमते मेघा के पास पहुंच जाता है। अब इस टाइम पर मेघा को जॉब की सख्त से सख्त जरूरत थी तो इसी वजह से जो मेघा होती है वो सचिन के क्लिनिक पर इंटरव्यू देने के लिए आ जाती है। वहां जाने के बाद मेघा जैसे क्लिनिक को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि यह क्लिनिक किसी हॉस्पिटल से कम नहीं था और इसके अंदर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थी। इसके बाद मेघा वहां पर जाकर इंटरव्यू के लिए पूछने लगती है तो मेघा को थोड़ी देर बैठने के लिए कहा जाता है और उसके बाद उसे केबिन में भेज दिया जाता है। जैसे ही मेघा केबिन के अंदर एंट्री करती है तो वह देखती है कि सामने इंटरव्यू लेने वाला और कोई नहीं उसका वही पति है जिसको वो तलाक देकर अलग रह रही है। जैसे ही मेघा सचिन की तरफ देखती है और सचिन मेघा की तरफ देखता है तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ खामोश हो जाता है और उसके बाद मेघा एकदम से जाती है और सचिन के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उससे माफी मांगने लगती है। दरअसल मेघा को वो बातें याद आ गई थी जब सचिन और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे और उन्हीं बातों को सोचकर वह सचिन से माफी मांगने लगती है। अब जैसे ही सचिन देखता है कि मेघा उससे माफी मांग रही है तो वो बड़ा ही हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही मेघा है जो अपनी अमीरी के घमंड में उसको तलाक देकर चली गई थी और उसने उससे उल्टी लड़ाई की थी, लेकिन आज इसको ऐसा क्या हो गया जो ये उससे माफी मांग रही है। इसके बाद सचिन उसे उठाता है और उठाने के बाद सामने वाली चेयर पर बिठा देता है। बिठाने के बाद वो उसे पानी देता है और पानी पिलाने के बाद उससे बातें करने लगता है। कहता है कि मेघा तुम यहां पर क्या कर रही हो और तुम्हें ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इस नौकरी की जरूरत है। तो उसके बाद मेघा अपनी कहानी सचिन को बताने लगती है। कहती है कि सचिन जब मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था तो उसके बाद मैं घर पर ही रहने लगी थी और मेरे घर में मेरे पिता अच्छा खासा कमाया करते थे तो किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन तुम्हें तलाक देने के 6 महीने बाद ही मेरे पिता की मौत हो गई और मौत के कारण अब सब कुछ भैया भाभी का हो गया था। जब तक माता पिता का साथ था तो उस टाइम तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही घर भैया भाभी का हो गया था तो उसके बाद जरा जरा सी बातें मुझे बुरी लगने लगती हैं और मुझे पता चल जाता है कि जो कुछ भी मैंने किया वो बहुत ही गलत किया है, लेकिन मैं आपका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया था वो मेरी गलती थी और यह बात मुझे बार बार परेशान किया करती थी। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं तुमसे मिलूं और मिलने के बाद माफी मांगूं, लेकिन मैं तुमसे माफी नहीं मांग पाई और इसी तरह से उस घर के अंदर रहने लगी। इसके कुछ दिनों बाद भैया भाभी का अत्याचार मुझ पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। वह तरह तरह की बातों में मुझे ताना मारा करते और छोटी छोटी बातों को लेकर मुझसे बहुत बुरी बुरी बातें कह दिया करते। ये बातें मुझसे सहन नहीं हो पाती हैं और इसी वजह से मैं अब अपने भैया भाभी का घर छोड़ने का फैसला कर चुकी थी और मैं सोच रही थी कि मैं कहीं पर नौकरी करूंगी और नौकरी करने के बाद अपने जीवन को अलग थलग से व्यतीत करूंगी। इस बात को सोचकर ही मैं तुम्हारे पास यहां पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी। मैंने अखबार के अंदर तुम्हारा इश्तेहार देखा था और उसी को देखने के बाद मैंने सोचा कि यहां पर नौकरी कर लूंगी और उन पैसों से अपना गुजारा कर लूंगी। अब यह बात सुनकर सचिन को भी यह बात बड़ी बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को संभालते हुए कह देता है कि ठीक है मेघा, अगर ऐसी बात है तो तुम बेशक से मेरे यहां पर नौकरी कर सकते हो और कोई भी कैसी भी दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाली। इस बात को सुनकर मेघा वहां पर नौकरी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मेघा धीरे धीरे वहां से उठती है और केबिन से बाहर जाने लगती है, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद वह एकदम से पलटती है और पलटने के बाद सचिन से पूछने लगती है कि सचिन क्या तुमने दूसरी शादी कर ली। तो उसके बाद सचिन कहता है कि नहीं मैंने दूसरी शादी नहीं की। तो वो पूछने लगती है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुम दूसरी शादी नहीं कर रहे हो। तो उसके बाद वह बताता है कि पिताजी की तबीयत खराब रहा करती है और मैं अगर दूसरी शादी कर लूंगा तो मेरी पत्नी न जाने कैसी आएगी, वो पिताजी का ख्याल रखे या ना रखे, तो इसी वजह से मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा। इस बात को सुनकर मेघा थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद सचिन से कहने लगती है कि सचिन मैंने भी दूसरी शादी नहीं की है और तुमने भी दूसरी शादी नहीं की है, हो सकता है ये ऊपर वाले का इशारा हो जो मैं तुम्हारे यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई हूँ, क्या तुम मुझे दोबारा से अपना सकते हो। इस बात को सुनकर जो सचिन है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगता है, लेकिन तभी मेघा दोबारा से उसके पैरों को पकड़ लेती है और फूट फूट कर रो रो कर उससे कहने लगती है कि सचिन मुझे दोबारा से अपना लो, मेरी जिंदगी बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गई है और आगे से मैं तुमसे कोई भी शिकायत नहीं करूंगी, तुम्हारे
अपने पिताजी की भी देखभाल अच्छी तरह से कर लूंगी और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद सचिन पहले तो उसे खड़ा करता है, खड़ा करने के बाद कहने लगता है कि देखो मेघा, जो तुमने किया था वो बहुत ही गलत था और मैं नहीं चाहता कि दोबारा से हमारी जिंदगी ऐसी हो, तो इस वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस बात को सुनने के बाद मेघा उसे आश्वासन दिलाती है और कहती है कि सचिन, तुम्हारे पिता मेरे पिता के समान है, उन्होंने भी मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी लेकिन मेरी गलती थी जिस वजह से मैंने तुम्हारे पिता की एक बात भी नहीं सुनी और अब मुझे मेरी गलती का पश्चाताप करने का टाइम मिला है, तो तुम मुझे पश्चाताप करने दो और मुझे अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाओ। इसके बाद सचिन थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद वो भी उससे कह देता है कि ठीक है मेघा, मैं तुमसे शादी तो नहीं करूंगा लेकिन तुम मेरे घर में मेरे पिता की सेवा करके दिखाओ, अगर तुम अच्छी तरह से सेवा करती हो तो उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम दोनों एक घर में रह लेंगे। इसके बाद मेघा सचिन के कहे अनुसार सचिन के घर चली जाती है और उसके पिता की देखभाल करने लगती है। सचिन का पिता सचिन से पूछने लगता है कि बेटा इसे क्यों लाए हो, तो वो कह देता है कि पिताजी दोबारा से हमारे साथ रहना चाहती है और मैं दोबारा से इससे शादी कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर सचिन का पिता बड़ा ही खुश होता है क्योंकि उसे अभी तक भी ये डर था कि उसका बेटा न जाने कब घर बसाएगा और कब दूसरी शादी करेगा, लेकिन जब उसकी पहली पत्नी वापस आ गई तो उसका ये डर निकल जाता है और उसके बाद मेघा सचिन के पिता की देखभाल करने लगती है और धीरे धीरे सचिन के पिता पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अब जब सचिन के पिता की तबीयत ठीक हो जाती है तो उसके बाद सचिन मेघा से दोबारा शादी कर लेता है और शादी होने के बाद वो अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक गरीब व्यक्ति का बेटा डॉक्टर बन जाता है लेकिन उसी गरीबी के कारण उसकी पत्नी उसे तलाक देकर चली जाती है। आप क्या कहना चाहते हो सचिन के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मोहन के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मेघा के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।